हनुमंतिया पर्यटन केंद्र पर अब तक 4 जल महोत्सव के कार्यक्रम हो चुके हैं। पर्यटन इस बार कोविड-19 के चलते कम पहुंच रहे हैं। इंदिरा सागर बेक वाटर के चारों ओर से घिरे हनुमंतिया पर्यटन केंद्र पर भाजपा के कार्यकाल में 3 जल महोत्सव और कांग्रेस के कार्यकाल में 1 जल महोत्सव हो चुका है और लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचकर वाटर गतिविधियों का आनंद लेते हैं। कोरोना काल से उबरने के बाद से ही यहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से पर्यटन पहुँचते हैं और अब छुट्टियों के चलते पर्यटकों का रुख फिर से हनुमंतिया की ओर होने लगा है। यहाँ पर वाटर गतिविधियों में पर्यटक बनाना राइड्स, क्रूज वाटर, स्कूटर स्पीड बोर्ड, जलपरी और अन्य वाटर एक्टिविटी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर बने वुडन कॉटेज अभी से फुल हो गए हैं और पर्यटकों ने बताया कि यहाँ पर स्टाफ बहुत कम है जिसके कारण सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। मुंडी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। जल महोत्सव के संबंध में जो है पर्यटक निगम द्वारा संभावनाओं की तलाश की जा रही है। अभी वर्तमान में कोविड की कंडीशन को देखते हुए जो है उसकी डेट्स जो है अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हम संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। यदि कोविड की स्थिति अच्छी होती है तो जो है इस विषय में पर्यटन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। कब तक चालू होने की उम्मीद उनसे? अभी तो लगभग जो अभी विचाराधीन है वो 15 से 15 जनवरी तक का है, पर अभी फाइनल नहीं है। कोविड की स्थिति को देखकर ही कलेक्टर साहब से मिल के वो सब जिला संयोजन से वो फाइनल होता है। बोली बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हनुमंतिया में, बहुत अच्छी जगह है और घूमने लायक है, काफी अच्छा लगा, एंजॉय किया। कोरोना को लेके सावधानियाँ? मास्क पहना है, डिस्टेंसिंग रखी है और सभी ने ये करना चाहिए क्या? जी, सभी ने करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।